हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम पांचवें दिन के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। पांचवें दिन टाइगर जी ने 18 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन कर लिया है। कुल मिलाकर इस फिल्म ने 187 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया है। इस फिल्म को 16% की ऑस्कर पीसी मिल रही है और टाइगर थ्री ने दुनिया भर में चौथे दिन 270 करोड़ का कलेक्शन किया था और पांचवें दिन इसने 300 करोड़ के पार कलेक्शन कर लिया है। गोल तरफ सलमान खान की फिल्म का बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट 300 करोड़ बताया जा रहा है, जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में हासिल कर लिया है। वही टीजर में वो कहते नजर आए थे कि मेरा नाम अविनाश सिंह राठौड़ है, पर आप सबके लिए मैं टाइगर हूँ। 20 साल अपना सब कुछ इंडिया के हिफाजत में लगा दिया है, बदले में कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रहा हूँ। आज आप सबको यह बताया जा रहा है कि टाइगर आपका दुश्मन है, टाइगर गद्दार है, टाइगर दुश्मन नंबर वन है। तो 20 साल की इंडिया की सर्विस के बाद मैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। मेरे बेटे को मैं नहीं इंडिया बोलेगा कि उसका बाप क्या था, गद्दार या देशभक्त। जिंदा रहा तो आपकी खिदमत में फिर से हाजिर, नहीं तो जय हिंद। टाइगर थ्री की बात करें तो इसमें सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी। फिल्म को मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया है। बता दें कि सलमान खान कैटरीना कैफ की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर हमेशा ही हिट रही है। खास बात यह है कि शादी के बाद कैटरीना की सलमान के साथ यह पहली फिल्म है। टाइगर फिल्म के दो पार्ट पहले ही रिलीज हो चुके हैं। साल 2012 में सलमान खान और कैटरीना के एक साथ टाइगर फिल्म रिलीज हुई थी। इसके बाद 2017 में टाइगर जिंदा है रिलीज हुई। इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया।